26 अप्रैल 1986 दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर। यूक्रेन का एक शहर चेर्नोबिल, उसके एक रिएक्टर फटने से इतनी बड़ी तबाही हो सकती है कभी किसी ने सोचा नहीं। चेर्नोबिल के पास एक शहर है प्रिपियत, उसकी जनसंख्या पहले 50,000 थी, पर अगर आप आज आगे गूगल करोगे उसकी जनसंख्या, तो उसकी जनसंख्या दिखाएगा आपको जीरो। तो ऐसा क्या हुआ प्रिपियत में कि उसकी पॉपुलेशन आज भी जीरो? जब चेर्नोबिल के अंदर ये न्यूक्लियर रिएक्टर फटा, ये फटा क्यों? साइंटिस्ट की ना समझ या फिर लापरवाही की वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर की जो फ्यूल रोड है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हीट हो गई एंड उसकी वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर फट गया, जिसकी वजह से उसके पास में मौजूद कोर, जिसके अंदर बहुत सारा एक न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट था, वो फट गया और 8 टन रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हवा में कॉन्टामिनेट हो गया। लगभग 30 किलोमीटर का एरिया पूरा का पूरा कॉन्टामिनेट हो गया रेडिएशन, न्यूक्लियर रेडिएशन। और ये न्यूक्लियर रेडिएशन इतनी खतरनाक थी कि वो इंसानों के डीएनए में घुसकर उसके डीएनए को ब्रेक कर देती और आपको मौत के घाट उतार। पेड़ पौधे भी बिल्कुल खत्म हो गए थे, और आज भी आप इसके अंदर वहाँ की इमेजेस देखोगे तो वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा सुनसान है। क्यों? क्योंकि आज भी बहुत सारी रेडिएशन मौजूद है, और इतनी रेडिएशन आज भी मौजूद है, और आने वाले लगभग 20,000 साल तक ये रेडिएशन वहाँ पर मौजूद रहेंगी। इसकी वजह से वहाँ पर लोग अभी भी सेफ नहीं है, और जिसकी वजह से प्रिपियत शहर में आज भी लोग बसे हैं। तो इतना खतरनाक था ये न्यूक्लियर डिजास्टर जिसने कई सदियां खराब की। जब साइंटिस्ट वहां पहुंचे उस रेडिएशन को मापने के लिए, उस रेडिएशन को मेजर करने के लिए, तो उनका रेडिएशन मीटर भी ऑफ स्केल हो गया। अब ये मैं आपको क्यों सुना रहा हूं?